ब्रेड से ही क्रिस्पी वोफल बनाने की रेसिपी सीखते हैं आज। सो बगैर टाइम वेस्ट करे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है एक नॉनस्टिक पैन, आप तवे पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है, घी जैसे गर्म हो जाएगा 3 पीस ब्रेड के, जिसके साइड्स मैंने काट लिए हैं, मैंने इस तवे पे अच्छे से सेक लेने हैं। आपने इनको क्रिस्पी होने तक सेकना है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। ब्रेड के सरफेस पे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आप इन्हें सेके। अब मैंने लिया है एक डेरी मिल्क चॉकलेट, एक ब्रेड के ऊपर मैंने पूरा का पूरा डेरी मिल्क चॉकलेट का बार लगा दिया है इस तरीके से। चॉकलेट जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा, बट आप चॉकलेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। अब इसके ऊपर मैंने सेकेंड स्लाइस ऑफ ब्रेड रख दिया है, इसके ऊपर मैंने 52 चॉकलेट लगा दिया है। आप 5 स्टार या जो भी कोकोनट चॉकलेट जो भी पसंद करते हो आप वही चॉकलेट रख दें, आप चाहें तो वाइट चॉकलेट भी रख सकते हैं। अब मैंने थर्ड ब्रेड पीसेस के ऊपर रख लिया है। अब आप इसको लाइटली प्रेस करें इस तरीके से स्पैचुला से या किसी स्पून की मदद से, और इसको एक बार फ्लिप कर लें, दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक लें और जो चॉकलेट है बीच में वो भी मेल्ट हो जाएगा। अब ये देखो ब्रेड का सैंडविच, तो ब्रेड वॉफल रेडी है। अब इसको बीच में से आप कट कर लें, आपके पास पिज्ज़ा कटर हो उससे भी कट कर सकते हैं या नाइफ से भी कट कर लें, बहुत आसानी से कट हो जाएगा। ये देखो ये ब्रेड वॉफल खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, ट्रस्ट मी। बहुत सारा चॉकलेट है इसके अंदर और ये एक जुगाड़ू रेसिपी है। अगर आपकी आपको घर में वॉफल पसंद हो या आपके बच्चे पसंद करते हो तो आप इंस्टेंटली ब्रेड से बना सकते हो। अब इसके ऊपर मैंने डाल दी है ओरियो आइसक्रीम, आपके पास वेनिला या जो भी आइसक्रीम हो वो डालो, और लास्ट में मैंने इसको टॉप कर दिया है चॉकलेट सॉस के साथ। मैंने होममेड चॉकलेट सॉस यूज़ किया है, आप चाहें तो रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थोड़ा और चॉकलेट सॉस मैंने डाल दिया है और कुछ चॉकलेट के पीसेस डाल दिए, ये होममेड कलरफुल स्प्रिंकलर्स हैं, थोड़े से मैंने वो डाल दिए हैं, और लास्ट में मैंने जेम्स डाली है इसको और ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए। तो ये आपका ब्रेड वॉफल बनके रेडी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।